नगर परिषद के पार्षदों ने सामूहिक त्याग पत्र की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी से परेशान पार्षदों ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि आज सोमवार को नगर परिषद के पार्षदों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है। तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। पार्षदों ने बताया कि नगर के अधिकांश स्वीकृत कार्यों में ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। पार्षदों के पूछने पर उन्हें महत्वपूर्ण वित्त संबंधी जानकारी नहीं दी जाती, उनके कई चीज़ों पर गोपनीय रखा जाता है। जल प्रदाय के लिए लगाए गए कर्मचारियों की जानकारी भी नहीं दी जाती। ऐसी अनेक समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है, पर सीएमओ और कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देते, मनमानी पर उतारू हैं, जिसके बाद उन्हें ज्ञापन देना पड़ा। उनका कहना है कि 7 दिवस के अंदर अगर हमारी समस्याएं हल नहीं हुई तो सामूहिक हम लोग त्याग पत्र देकर इस पद को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए हमें लोगों ने चुना है, अगर हम वही नहीं कर पाते हैं तो इस पद पर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं। ने हमें जिस भरोसे से जिताया है उस भरोसे को हम पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कर्मचारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। मेरे द्वारा मेरी पत्नी पार्षद हैं और उनने 5 महीने पहले आवेदन दिया था जल प्रदाय में कि कितने पाइप मोटर तमाम व्यवस्थाएं कितनी क्या हैं, उस संबंध में हमें आज दिनांक तक कोई जानकारी नहीं दी गई। एक चीज़, दूसरी चीज़, छोटे छोटे से जो काम हैं उनके लिए भी कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, यही कर करके आज दिनांक तक कोई काम नहीं करेगा उनके द्वारा। और यदि यही बर्ताव रहा, और मैंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी से एक दिन बात भी रखी कि मैं जो आवेदन दिए हूँ यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्टर महोदय के पास चला जाऊँगा, तो उन कर्मचारियों का ये कहना है कि आप कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं और मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं। हमारे जो काम की कहते हैं वे सुनते नहीं है, न करवाते हैं और प्रस्तावा डाल देते हैं और आगे क्रियान्वित नहीं करते। और हम वित्त विभाग के प्रभारी भी हैं, आज तक मुझे पूछा नहीं गया, न बताया गया कि वित्त विभाग में क्या काम होता है क्या नहीं होता है। इसे हम सब जने जा चाहते हैं कि सब जो जो प्रभारी हैं उनको सूचना दी जाए और बताया जाए कि कैसे काम होता है। आप लोगों ने कहा है कि जल लगा आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग त्याग पत्र देंगे सामूहिक रूप से? हाँ देंगे बिल्कुल, यदि 7 दिन में उन्हें होगा आपका, हम उनकी मांग पूरी नहीं हुई सभी मिलकर त्याग पत्र देंगे। नगर परिषद के पार्षदों द्वारा आज उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर परिषद में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है जो मूलतः भेजा जाएगा। साथ ही पार्षदों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो त्याग पत्र देंगे। संबंध में मैं स्वयं अलग से सीएमओ महोदय से चर्चा करूंगा और अनियमितता के संबंध में मैं जानकारी लेकर जो भी उचित बन सकेगा उसमें प्रयास करेंगे कि इनमें सामंजस्य बना रहे।